कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नया साल मनाने विदेश गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का विदेश दौरा विवादों में घिर गया है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राज्य की कांग्रेस इकाई ने 3 जनवरी को पंजाब के मोगा में एक रैली बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी के विदेश चले जाने से पंजाब कांग्रेस को इस रैली को रद्द करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने अब यू टर्न ले लिया है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की बुरी हार के बाद राहुल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी पार्टी का कामकाज देख रही हैं। इस दौरान सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने के लिए कहा, लेकिन राहुल तैयार नहीं हुए। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक रूप से चुनाव सितंबर में कराए जाएंगे और इसके बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि राहुल के सामने चुनाव में कोई खड़ा होने का साहस नहीं दिखाएगा और राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बन जाएंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका मतलब है कि राहुल की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी बस एक औपचारिकता मात्र रह गई है, जो सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया गांधी को चुनाव प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। मिस्त्री ने दावा किया है कि अगले साल सितंबर तक नया अध्यक्ष मिल जाएगा और नया अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही होंगे। वहीं राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के भीतर एक बार फिर नाराजगी बढ़ सकती है। दरअसल कांग्रेस का एक धड़ा जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे कई नेता शामिल हैं, वो ये नहीं चाहते कि राहुल फिर से अध्यक्ष बने। इन लोगों की मांग थी कि कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद का चुनाव हो, लेकिन अब राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया सिर्फ एक दिखावा रह गया है और ये भी साफ हो गया है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।